हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक टमाटर का सालन। तो चलिए बनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ एक टमाटर का सालन। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए थे बड़े साइज के, तो कट कर लिए हैं। यह प्याज मैंने 2 लिए थे, 2 अंडे, यह कोथमीर बारीक से कट कर कर रखा है, और यह ग्रीन चिली, और यह जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने हांडी रखा है और ये गरम हो गई है, इसमें डालेंगे तेल। 2 चम्मच तेल डालती हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज। प्याज डाल दिए, थोड़ा अच्छे से इसे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल दिए हैं, उसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डाल दिए इसमें, अब डालेंगे हरा धनिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट, डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, सॉल्ट, थोड़ा 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने 2 अंडों को ऐसे फोड़ कर इसमें डाल लिया है। अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ अंडे। टमाटर गल जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे अंडे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये सालन। चपाती या राइस रोटी के साथ खा सकते हैं आप।
डालते हैं। सेट होने तक थोड़ा ढक लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ इसमें। आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, थोड़ा आपको पानी डालना है तो डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। दो मिनट तक पकाना है और गैस को ऑफ कर देती हूँ पकने के बाद। तो ये बनके तैयार हो गया है खाने के लिए। इसे मैं डिश आउट कर लूंगी। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, आपको एक सालन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।